चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। आप लोग को दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा क्लियर है? आप लोग एक बार बता दें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, बजट करंट अफेयर्स में पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स में बजट उजट सब पढ़ाएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, बजट बताया जाएगा आपको, बिहार स्पेसिफिक जो है उसमें आपको बिहार का बजट ही पूछेगा जनरली। देखिए ऑब्जेक्टिव सेशन मैंने पहले ही बोल दिया कि ऑब्जेक्टिव सेशन को मैं ऑन स्क्रीन ही लूँगा, बाकी जब थ्योरी पढ़ाना होगा तब उसको हम डिजिटल बोर्ड पे आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस आप लोग को समझना है और आपको क्लियर इसी में आपको दिखाई और सुनाई देगा, इसीलिए हमने डिजिटल बोर्ड को फिलहाल जो है, जब फिर थ्योरी पढ़ाएंगे तो फिर हम डिजिटल बोर्ड पर आएंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव सेशन जो है हम इसी माध्यम से आपका ले लेंगे। ठीक है, बस आप लोग को पता ही है, ये सब आपने पढ़ रखा है, टेस्ट भी दे ही रखा है और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग का जो स्थिति है पहले से बेहतर होगा और कोशिश कीजिए कि कम से कम टेस्ट में 50 नंबर लाने का, अगर यहाँ 50 आता है तभी वहाँ 60-65 का उम्मीद कर सकते हैं आप, क्योंकि मेरा जो टेस्ट का लेवल है वो इतना लो भी नहीं रहता है और उतना खूब टफ भी मैं नहीं डालता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग का जो स्थिति है 40-45-50 का एवरेज औसतन है ये थोड़ा मुझे कम लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अपनी स्थिति को सुधार कीजिए और वो तभी सुधार होगा, हमने बार बार बोला कि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, सेट बनाइए या लुसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को बार बार देखिए। ठीक है, उसी से आपका सही होगा, बाकी थ्योरी आप कितना भी, आपको हमने अच्छे से जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको करा रखा है, अब आपको जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक है, बीपीएससी का जितना बड़ा सिलेबस है वो आपका एक साल का सिलेबस है, मिनिमम एक साल का सिलेबस है और उसको आप 2 से 2.5 महीना में पढ़े हैं तो स्वाभाविक सी बात है परेशानी तो होगा ही। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है 1.5 से 2 महीना में सिलेबस, वो सिलेबस वाकई में एक साल का सिलेबस है मिनिमम। ठीक है, तो एक साल के सिलेबस को आपने 2 महीना में पढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप 50% भी ला रहे हैं तो कम नहीं ला रहे हैं, बस थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे और यहाँ जितना लाते हैं यहाँ से 5-10 नंबर ज़्यादा ही आपको आएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, आप जितना भी लाते हैं 5 नंबर और एक्स्ट्रा, 5 से 10 नंबर और एक्स्ट्रा वहाँ पर आएगा आपको, ज़्यादा आएगा, कम नहीं जाएगा आपका। ठीक है, चूँकि मेरा जो क्वेश्चन का लेवल है उसी लेवल में आपको वहाँ भी पूछे जाएंगे, थोड़ा उससे लो ही जाएगा, टफ नहीं जाएगा, इसीलिए उम्मीद है जो आप ला रहे हैं यहाँ पे मार्क्स उसमें आपका 4-5 नंबर बढ़ोतरी ही होगा, बस उस पर ध्यान दीजिए आप लोग कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, 60 से कम नहीं आना चाहिए यहाँ के टेस्ट में। कोरोना कालर का कोई कुछ नहीं क्वेश्चनर नहीं पूछेगा, वो सब घबराइए नहीं, जो भी करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे लास्ट 6 मंथ के मैक्सिमम रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपका जो है पूरा एक साल का रहता है, तो 6 महीना को खूब पढ़िए। ठीक है, कोरोना काल का पढ़ के अब का क्या कीजिएगा। ठीक है, जो अभी का है वही पढ़ लीजिए, काफ़ी है, कोरोना कालर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, वो गया जमाना। चलिए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे, प्रास्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो आपको हमने बताया था ही जीव और वातावरण के बीच का ही अध्ययन क्या कहलाता है आपका, पारस्थितिकी कहलाता है। जीव और उसके चारों ओर जो आवरण है, वातावरण है, उसका जो पारस्परिक संबंध है, क्योंकि कोई भी जीव उसके साथ जो भी वातावरण उसके साथ उसका संबंध होता है, क्योंकि अगर आपको समुद्र में जाके छोड़ दिया जाए तो आप जिंदा नहीं रह पाइएगा। ठीक है, तो आप चूंकि उसके पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं आते हैं, आप नहीं रह सकते हैं, तो जो जीव है उसका अपना एक वातावरण है, अपना एक तंत्र है जिसमें वो विकसित होता है, तो उसी को बोलते पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, तो जीव और उसके वातावरण के जो पारस्परिक संबंध हैं उसी को क्या कहा जाता है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो जीव और वातावरण का ही आपका पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र जो शब्दावली है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो टेंसले, ये सब डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग, टेंसले ने सर्वप्रथम इसको प्रस्तुत किया था। हमने आपको जो है एक पीडीएफ भेजा था और वो आपका घटना चक्र का वन लाइनर था
EBS का, ठीक है, मैं आज फिर भेज दूंगा। आप लोग मात्र 40 पेज है, वो वन लाइनर है, उसको अच्छे से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से देखने के बाद क्या होगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और 99% रखिए कि क्वेश्चन जो है उससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आज मैं फिर भेज दूंगा। देखिए जो हमने नोट्स दिया वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ बहुत सारे जो पहले से भी बहुत सारे जो भी मार्केट में अवेलेबल बुक हैं, नोट्स हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, उसको मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। ज़्यादा नहीं भेजता हूँ चूँकि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तुरंत में, बोलने लगते सर पुराना वाला छोड़ दें, नया वाला पढ़ें, ये वो। तो देखिए मैं आपको इसलिए भेज देता हूँ कि देखिए सब चैप्टर सब में महत्वपूर्ण नहीं रहता है, उतना अच्छे से नहीं रहता है, कुछ चैप्टर किसी में, कुछ चैप्टर किसी में रहता है, तो इसीलिए हम भेज देते हैं। बाकी कंप्यूटर साइंस के भी हमने भेज दिया था, इम्पोर्टेंट जो भी है वो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 10+2 वाले, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो परितंत्र है, परितंत्र का जो शब्द है, परितंत्र जो शब्द दिया गया है उसका जो ऑप्शन है उसमें सबसे जो अच्छा परिभाषा कौन दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, अब सारे जो भी ऑप्शन है उसको पढ़िए। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, तो जीव और अजीव दोनों मिलके बनता है तो ये केवल नहीं होगा। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा बसता है, ये भी नहीं होगा। जीवों का समुदाय के साथ, तो जीवों का समुदाय के साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे सही उत्तर होगा। परिस्थितिकी जो तंत्र है वो दो घटक होते हैं, हमने शुरुआत में ही जब थ्योरी बताया था तो बताया था, जैविक और अजैविक मिलकर के ही परिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। जैविक मतलब जिसमें जीवन हो, पेड़ पौधा जीव जंतु ये सब हो गया जैविक, अजैविक जैसे वायु हो गया, जल हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका अजैविक हो गया। तो दोनों को मिलकर के परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं मेन रूप से। अब देखिए किस परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है, ठीक है। तो एक तो आपका उत्पादक होता है, दूसरा आपका उपभोक्ता होता है, तीसरा अपघटक होता है, ठीक है। तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये आपका श्री सही है। जैसे मान के चलिए आप कोई भी पेड़ पौधा ये उत्पादन करता है, उपभोक्ता जैसे कोई भी जीव हो गया, हाँ मानव हो गया या शेर हो गया, बाघ हो गया या गाय हो गया, ये सब क्या है कि ये जो आपका जो पेड़ पौधा उत्पादन किया उसको उपभोग किया मानव किया फिर या कोई भी जीव किया, उसके बाद जो अगर मृत्यु हो गया अपघटक के रूप में, फिर उसको जो है उसका क्षय हुआ, डिकम्पोज हुआ, ठीक है, तो छोटे छोटे जीवाणु मिलकर के उसको खाए तो वो अपघटक हो गया। तो ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है, तो तीनों मिलकर के ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। और आपको पता होगा कि ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर 10% जो है, जैसे अगर यहाँ 1000 उत्पादन होगा तो इसका 10% ही अगले सीरीज में जाएगा, फिर उसका 10% ही अगले सीरीज में जाता है, ठीक है। तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये याद रखना है आपको। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव आप कैसे रोक सकते हैं, तो वनस्पति उन्मूलन से, बिल्कुल नहीं, अगर उन्मूलन कीजिएगा तब तो और मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा, ये गलत हो गया। वन रोपण, हाँ, अगर आप वन रोपते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो जल, इसका जो जड़ होता है, जड़ वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, उससे क्या होगा, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये इसका एग्जैक्ट जवाब हो जाएगा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, ठीक है। आप लोग अपना बताते भी चलिए, वन रोपण द्वारा, किसके द्वारा, वन रोपण के द्वारा ही होगा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम, अब देखिए जब आप बकरी का मांस खाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप प्राथमिक उपभोक्ता तो हैं नहीं, ठीक है, तो उस स्थिति में आप क्या हो जाइएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, यानी घास को बकरी ने खाया, ठीक है, बकरी ने किसको खाया, घास को, और फिर आप खा गए, तो ये प्रथम हो गया उपभोक्ता कौन, बकरी, और द्वितीय उपभोक्ता आप उस केस में क्या हो गए, मानव हो गया। लेकिन जब डायरेक्ट आप अनाज खाए तो उस समय प्रथम उपभोक्ता आप हो जाइए, लेकिन जब आप जो अनाज या जो घास खाता है जब उसको आप खाइएगा, उस स्थिति में वो क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो उस स्थिति में आप कौन से
जो है उपभोक्ता होते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। चूँकि प्रथम जो उपभोक्ता होगा वो डायरेक्ट जो है पेड़ पौधा पे आश्रित होगा, और द्वितीय जो होगा वो जो पेड़ पौधा को खाएगा उस पे आश्रित होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो स्वाभाविक सी बात है, सौर ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होगी। सूर्य भी आपको ऊर्जा देता है, और पृथ्वी पे ऊर्जा का एक सर्वप्रमुख स्रोत जो है आपका सूर्य ही होता है। सूर्य के माध्यम से ही ऊर्जा आपको मिलती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो आपको सूर्य से ही प्राप्त होगा। खास श्रृंखला से अभिप्राय क्या है? इसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। ठीक है, तो एक जीव से दूसरे जीव में जो आपका ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जैसे पेड़ पौधा का ऊर्जा जब आप खाते हैं तो आपके अंदर आता है, जैसे जैसे टिड्डा है, टिड्डा घास खाया, फिर टिड्डे को मेढक ने खा गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्थानांतरण हो रहा है ऊर्जा की। फिर मेढक को जो है मोर खा गया या सांप खा गया, मान के चलिए सांप को फिर मोर खा गया। तो इस स्थिति में सभी क्या हो गए? एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला का तात्पर्य ही होता है एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, हाइड्रोफाइट जो जलीय पौधे होते हैं, हाइड्रो मतलब ही होता है जल, फाइट मतलब जो जल में पौधे उगते हैं उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफाइट। ये अति महत्वपूर्ण है, VVI है, इस तरह के क्वेश्चन BPSC कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट किसको कहा जाता है? कई बार बोलेगा रेगिस्तान में उगने वाले, कई बार समुद्र में उगने वाले, तो जलीय जीव जो भी पौधे होते हैं वो हाइड्रोफाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट क्या होता है? एक जलीय पौधे को जो है जल में होता है उसको हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? मरुद्भिद मतलब क्या? जो मरुस्थल में हो, जो मरुस्थल में हो उसको मरुद्भिद कहा जाता है। तो देखिए, सरसों तो आपके क्षेत्र में ही हो जाता है, अमरवेल, तो करील जो है वो मरुद्भिद है। जैसे आपका नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, करेल हो गया, कोई पौधा होगा उसका नाम है। ठीक है, तो मरुद्भिद है, तो मरुस्थल में ही होता है। पर्यावरण के अवजैव अवयव उदाहरण है, जैसे अवजैव अभी तुरंत हमने बताया था, अवजैव में आ गया जानवर वनस्पति, तो जैव हो गया। वायु हवा ये सब क्या है आपका? सौर ऊर्जा सूर्य ये सब क्या है आपका? अवजैव घटक हो गया। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है कि खास करके जापान वगैरह में ये सब जो है तकनीक का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बिना मिट्टी के जो समुद्री जो भी समुद्र के किनारे बसे जो देश हैं वहाँ पे ये सब टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, यानी जल में ही आपको जो है पौधे का वृद्धि कर दिया जाएगा। उसी में क्या किया जाता है कि तरह तरह के जो भी खनिज लवण पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है तो लिक्विड फॉर्म में ही उसमें मिला दिया जाता है। तो जो मिट्टी के बिना जो पौधे की वृद्धि होती है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, और आने वाले समय में यह एक अच्छा तकनीक होगा, खास करके जहाँ पे शहरी एरिया में जहाँ मिट्टी नहीं है, खेत नहीं है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट जल में जो पोषक तत्व हैं जो कि पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है, खनिज लवण जो भी है उसको डाल करके, जैसे नाइट्रोजन हो गया, यूरिया, जो सब DAP पोटास ये सब जो डाला जाता है वो सब लिक्विड में ही फॉर्मेट में डाल के, लिक्विड फॉर्म में डाल के पेड़ पौधा को उगाया जाएगा। तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो यौगीकरण जो किया जाता है वो पेड़ पौधे ही करते हैं, और क्लोरोफिल के माध्यम से, जो पत्ती में होता है क्लोरोफिल, उसके माध्यम से सनलाइट को ये क्या करते हैं? भोजन में बदलते हैं। ठीक है, सनलाइट में एक प्रकार से इसको क्या करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है? तो हरे पौधे। हरे पौधे क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन तैयार करता है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण जो करने वाला हो गया वो हरे पौधे हो गए, और पौधे जो है भोजन अपना तैयार सूर्य के प्रकाश में ही करते हैं, और कार्बन उस स्थिति में ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन अन्य स्थिति में रात्रि के समय में पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? CO2 ही छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ही लेते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। इसीलिए बोलता है कि रात्रि के समय में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि में पेड़ पौधे भी जो है CO2 ही छोड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, भोजन बनाने की क्रिया के दौरान वो जो है CO2 लेते हैं, और कार्बन जो है उस समय कार्बन
उत्पाद के रूप में चला जाता है। देखिए कोई भी जीव है वो कार्बोहाइड्रेट ही लेता है, जैसे मानव भी है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट ही लेता है, कार्बन का ही रूप, जैसे भोजन लेते वो उसमें क्या कार्बन ही है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही आपका ऊर्जा का सोर्स होता है। तो पेड़ पौधों का भी ऊर्जा का सोर्स कार्बन ही है, बस वो आपके वायुमंडल से CO2 लेता है, कार्बन का यूज कर लेता है और O2 उस समय निकाल देता है, ठीक है। तो चलिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सुनते जाइए और देखिएगा निश्चित तौर पे यही सब क्वेश्चन जो है वहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र के अनुपात में होना चाहिए। देखिए कोई भी देश है उसमें कम से कम जो बताए थे हमने 1/3 पार्ट यानी 33.3% पार्ट में वन होना अति आवश्यक है, लेकिन हमारे पास है कितना 24.5% वन ही है। हमने पिछले क्लास में भी आपको वन का रिपोर्ट जब बताया था तो उसमें बताया था कि लगभग 24.5% ही आपके देश में, और बिहार में तो एकदम कम है, मात्र 7.7% ही वन है, लेकिन अब जा करके कुछ बढ़ा है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 10 पॉइंट समथिंग पे है, पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 10 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 33.3% होना चाहिए संतुलन बनाए रखने के लिए, कितना होना चाहिए तो 33.3% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन आपको हमने बताया था, मैंग्रोव का पूरा चैप्टर भी हमने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध। उड़ीसा का दंडकारण्य जंगल बिल्कुल नहीं, दक्षिण 24 परगना सजन खोली जंगल, उत्तराखंड का ये भी नहीं है। अब देखिए ये जो हो सकता है, चूंकि देखिए जो आपका खास करके मैंग्रोव है हमने आपको बताया था, कुछ आपका कच्छ कारण गुजरात में है और कुछ जो पार्ट है खास करके गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई भाग है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे जो है मैंग्रोव बन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऐसे इसमें दक्षिण 24 परगना दिया हुआ है, इसको देखना पड़ेगा कि ये आखिर है कहाँ पे, ठीक है। इसको रुकिए मैं देखता हूँ, दक्षिण 24 परगना सजने खाली जंगल, अच्छा इसको रहने देते बाद में इसको देख लेंगे हम, ठीक है। इसको फिलहाल यही आंसर मान के चलिए, कोई होगा जिला होगा परगना, ठीक है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, तो एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु, ठीक है, और वो दूसरे पौधों पे ही अपना आगे विकास करते हैं, उसको पकड़ करके मतलब इसकी वृद्धि होती है तो एपीफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अन्य पौधों पर ही निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु, ठीक है, वो मतलब एक सपोर्ट में ले करके वो आगे बढ़ते हैं दूसरे पौधे को। पादपालय एक सुविधा है जिसमें, ठीक है, पादपालय एक सुविधा है जिसमें, तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक डायरेक्शन में कि किधर आपको नियंत्रित करके पेड़ पौधा को जो है बढ़ना वृद्धि किया जाता है, रोग रहे दशाओं में पादक नहीं, पादपों के लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है ये भी नहीं, नियंत्रित दशाओं में पादप का उगना संभव हो पाता है, हाँ। तो इसमें क्या होता है कंट्रोल करके जो डायरेक्शन में आपको पादप को बढ़ाना है आगे उगाना है उसी डायरेक्शन में उगता है तो ये पादपालय कहलाता है। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, कौन सा खेती जो है पर्यावरण के लिए उपयुक्त है, देखिए कार्बनिक खेती ये तो सही है, स्थानांतरित ये नुकसानदेह है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि उच्च पैदावार किस्मों का उत्पादन ये गलत है। कार्बनिक कृषि में क्या होता है कि मतलब जैविक कृषि हो गया एक प्रकार से, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है यहाँ पर, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा कार्बनिक, ठीक है, तो इसमें जैविक कृषि के रूप में हम इसको देख सकते हैं। स्थानांतरित कृषि हो गया कि जगह बदल बदल के खेती करना, ठीक है, तो इससे हानि ही होता है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप
रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि अब देखिए गर्मी इतना पड़ता है खास करके मरुस्थल में, ठीक है, और रात्रि को ही जो उसके कीट जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो चूंकि फूल भी खिलता है तो उसमें भी परागकण एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला होना चाहिए, तो अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है। मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय ही सक्रिय होते हैं, तो इसीलिए इसका मेन कारण क्या है कि जो मरुस्थल के जो कीट होते हैं छोटे छोटे वो रात्रि में ही सक्रिय होते हैं, और उसी कारण से जो है अधिकांश मरुस्थलीय पादप जो होते हैं वो रात्रि में ही, ठीक है, खिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थिर परितंत्र है? तो अभी हमने जब पढ़ाया था तो उस समय बताया था सबसे अस्थिर जो समुद्र होता है महासागर वो स्थिर परितंत्र होता है, क्योंकि पृथ्वी पे क्या है कि धरातल पे क्या है कि मानव जो है बहुत ज़्यादा उसमें भूमिका निभाता है, कभी जंगलों को काट देता है कभी कुछ, तो सबसे ज़्यादा जो अस्थाई स्थिर परितंत्र है वो पूरे ब्रह्मांड या सॉरी पूरे विश्व में वो महासागर ही है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। महासागर ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर परितंत्र कहाँ का है, तो महासागर का, समुद्र का है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका जो है यहाँ पर जैव विविधता जो पाया जाता है, तो अगर पूछेगा तो जो आपका भूमध्य सागर है, ठीक है, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी उस क्षेत्र में ज़्यादा आपका जैव विविधता भी पाया जाता है। सामाजिक वानिकी है निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना, उसके बाद सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनका व्यवस्था करना। तो देखिए निजी भूमि पे तो वो सामाजिकता नहीं आएगी, निजी भूमि पे अगर पौधों को उगाया जाता है तो वो सामाजिक वानिकी नहीं होगा। जब सब मिल करके सहकारी भूमि हो, यानी कोई भी सोसाइटी का हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर जब पौधों को उगाया जाता है और उनकी व्यवस्था की जाती है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक वानिकी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपको पता होगा कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, ठीक है, ब्राज़ील, यहाँ पे वीडियो डी जेनेरो, बहुत गलत, रियो डी जेनेरो, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये सब थ्योरी में देख लीजिएगा, ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वो लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय जो वनस्पति उद्यान है, नेशनल जो आप लेवल पे जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वो कहाँ पे है आपका, लखनऊ में है, ठीक है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये हमने कल भी बताया था, देहरादून में, उत्तराखंड में आपका जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, तो वन संरक्षण अधिनियम के बारे में भी पूछ देता है, ठीक है, 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जो है, सबसे विशाल आप बताइए, इसमें से स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल कौन सा होगा, तो सबसे विशाल आपको पता है पृथ्वी का जो है दो तिहाई पार्ट, लगभग 70% पार्ट पे क्या है आपका, जलमंडल है, तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र भी होगा जलमंडल का ही होगा, ये सब तो आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, जो कि कृत्रिम है, मानव निर्मित है कह सकते हैं, धान का खेत, घास का मैदान, झील, तो इसमें कृत्रिम क्या हो जाएगा, धान का खेत, क्योंकि धान के खेत में आप उसको लगाएंगे तो धान की खेती होगी, तो उस स्थिति में वो कुछ समय के लिए वो धान का खेत रहेगा, ठीक है, तो वो उस समय जो वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र बनेगा उसमें छोटे छोटे जीव पनपेंगे, तो वो एक लिमिट समय के लिए होगा, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बन गया। लेकिन घास का मैदान क्या होता है, एक विशाल आपको बताया था कि घास के मैदान होते हैं, जैसे प्रेरी है या फिर आपका बहुत सारा हमने डाउंस बताया था, प्रेरी बताया था, पंपास बताया था, तो ये सब कृत्रिम नहीं है, झील भी आपका कृत्रिम नहीं है, तो धान का खेत क्या हो गया, एक प्रकार का कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो गया।
अब देखिए रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है, तो जो मतलब 50 वर्षों से दिखाई नहीं देते हैं, ये हमने आपको जब थ्योरी पढ़ाया था तो बताया था। तो खास करके उसमें संकटापन्न स्थिति में जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, संकटापन्न पादप और जीव जंतु को इसमें रखा जाता है जो 50 वर्षों से दिखाई नहीं दे रहे हैं या बहुत ना के बराबर हैं, उनकी संख्या घटते जा रही है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है, भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और भूमि, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम की खेती। देखिए झूम खेती क्या होता है कि ये सब सही नहीं है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, मतलब जगह बदल बदल के जो खेती किया जाता है, ठीक है, खास करके पहाड़ी एरिया में, तो ये सब पर्यावरण के लिए खतरा है क्योंकि उस क्षेत्र का जो है ये जैव विविधता को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें ये होगा, क्या पूछा है, इनमें से कौन सा, हाँ कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है, तो झूम की खेती खतरा है। वनस्पति का विनाश कर दीजिएगा, तो देखिए पेड़ पौधे क्यों ख़त्म हो रहे हैं, चिड़ियाँ सब बहुत घट रही है, क्यों, चूँकि मानव ने क्या किया कि जो पेड़ पौधे हैं उसको काटा, जो उनके घोंसला था जो जहाँ पे वो निवास करते थे वो उनका उजड़ गया, तो जो आवास है वही उजड़ जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जीव वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। तो ये प्राकृतिक आवास जो है अगर हम उसका नष्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे हमने क्या किया, फर्टिलाइजर केमिकल का प्रयोग किया, बहुत सारी पक्षियाँ जो मर गई, जैसे खेत खलिहानों के अनाज को खाती थी, हमने कीटनाशक का प्रयोग किया तो उससे भी धीरे धीरे जो है पक्षियों की संख्या घट गई, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उन पे जो डिपेंडेंट जीव होंगे वो फिर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्थिति रहती है, तो इनमें से कौन जैव विविधता के लिए खतरा है, तो झूम की खेती वनस्पति का विनाश और प्राकृतिक आवास, ये सब का जब आप विनाश करते हैं तो स्वाभाविक है जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, तरह तरह के जो जीव रहते हैं पृथ्वी पर वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। भारत में पारिस्थितिक और संतुलन का कौन सा प्रमुख कारण है, ठीक है, भारत में पारिस्थितिक और असंतुलन होना चाहिए, और लिखा है असंतुलन का मेन कारण क्या है, ठीक है। तो भारत में जो स्थिति पैदा होती है तो मेन रूप से ये असंतुलन होगा, ठीक है। असंतुलन का कौन सा प्रमुख कारण है, तो मेन कारण है आपका यहाँ पे जो कारण है वो है वन का उन्मूलन, हमने जंगलों को बहुत ज़्यादा काटा है और जिस कारण से पारिस्थितिकी असंतुलन आया है, ठीक है। तो सबसे प्रमुख कारण यहाँ पे वन उन्मूलन ही होगा, ठीक है। बाढ़ और अकाल को आप रोक नहीं सकते हैं, ये बाढ़ आएगी तो अकाल भी साथ में लेके आती है, तो ये मेन कारण नहीं है, तो चूंकि ये प्राकृतिक ही है तो इसको, इससे जैव विविधता उतनी प्रभावित नहीं होगी। मरुस्थलीयकरण भी आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक कारण में से है, लेकिन इससे भी आपका जो है उतना जैव विविधता प्रभावित नहीं होगा जितना वन उन्मूलन से होगा, तो इसलिए सबसे प्रमुख कारण यहाँ पे वन उन्मूलन ही होगा। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, अब देखिए ताल क्या होता है, जो धरातल पे नीचे वाला जो एरिया होता है उसको ताल कहा जाता है, या टाल भी गाँव देहात में हम लोग बोलते हैं, टाल मोकामा टाल जैसे है, तो एक प्रकार का ये ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे जो उत्पादक है और उपभोक्ता है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो ताल क्षेत्र है उसकी जो पारिस्थितिकी तंत्र की निर्भरता क्या करेगा, उत्पादक और उपभोक्ता पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है पर्यावरण, परिस्थितियाँ, खाद की उपलब्धता, मानव गतिविधियाँ। तो प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक जो है आपका मानव की गतिविधियां ही हैं, क्योंकि मानव ही उस क्षेत्र में गतिविधि करके उसके असंतुलन को बढ़ावा दे देता है, तो अगर मानव गतिविधियां सही ढंग से करेगा तो प्रकृति संतुलित ही रहेगी, ठीक है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पूरे विश्व स्तर का, तो ये हो जाएगा आपका सुंदरवन का डेल्टा जो है उसको वैश्विक स्तर का विरासत माना जाता है, ठीक है, और इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, तो वैश्विक विरासत के रूप में जो है ये पश्चिम बंगाल का जो है सुंदरवन का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है,
ठीक है, मैंग्रोव वन यहीं पे पाए जाते हैं, तो ये आपका वैश्विक विरासत वन के रूप में माना जाता है। वह वर्णाकू जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, ठीक है, ये कुछ मिस्टेक लगता है यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से कौन बचाएगा, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाइकोसाइनिन, जो है फाइकोसाइनिन जो है वो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, और मानवों को पराबैंगनी किरण से कौन बचाता है, तो O3 का जो लेयर है ओजोन, ओजोन परत जो है समताप मंडल में वह बचाता है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, वर्षा ज़्यादा होगा, उस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, खास करके 10 डिग्री अक्षांश के आसपास, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया होगा 10 डिग्री, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जैव विविधता पाई जाती है पूरे पृथ्वी की बात करें तो। तो उष्ण कटिबंधीय चूँकि वह वन होता है, वर्षा वन, चूँकि वहाँ पे डेली दोपहर में वर्षा होगा, चूँकि गर्मी इतनी पड़ती है कि वर्षा होगा ही, और जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। देखते होंगे आप बरसात के सीज़न में बहुत तरह तरह के कीटाणु जीवाणु विषाणु जो है आपको आसपास भी कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं, चूँकि वह एक पर्याप्त मौसम उत्पन्न कर देता है, एक माहौल ये कह सकते हैं कि जीव वहाँ पर पनपने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है इस प्रकार के जैव विविधता पाई जाएगी, तरह तरह के जीव वहाँ पे निवास करेंगे। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, काजीरंगा जो है असम में है और गेंडा के लिए जाना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जो तंत्र में जो तत्वों का जो चक्रण होता है, नाइट्रोजन का हो ऑक्सीजन का हो, तो ये क्या कहलाता है, तो एक प्रकार का ये आपका जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो आपको पता ही होगा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था चिपको आंदोलन, और उसमें मेन रूप से क्या था कि जो वन कटाई है, जब वन काटने जाते थे तो लोग क्या करते थे, वनों को पकड़ करके चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया चिपको आंदोलन, ठीक है। तो वन कटाई से संबंधित है चिपको आंदोलन, ठीक है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क मतलब जो पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट है उसको इको मार्क जो होता है, एक अंडे का सिंबल उसमें बनाया रहता है, ठीक है। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, पर्यावरण मैत्रीपूर्ण हो, तो यही होगा पर्यावरण के, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन आप यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज नहीं करते, तो वो सब क्या होगा, इको मार्क हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो जो पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण स्थिति बनाए रखते हैं, जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, तो उसको हम इको मार्क प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुल के कारण क्या होगा, तो स्वाभाविक सी बात है हमने बताया था कि ग्रीन हाउस गैस में खास करके मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैस क्या करता है कि जो आपका भूमंडलीय है उसका टेम्परेचर को बढ़ा देता है भूमंडल का, ठीक है। भूमंडलीय गर्मी बढ़ते बाहुल्य के कारण प्रभावित होगा, सिवाय, तो भूमंडलीय गर्मी तो प्रभावित होगा ही, सिवाय देखिए यहाँ कर दिया किसके सिवाय, तो ये तो होगा ही कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी होगा, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव नहीं होगा इसको छोड़ करके, चूँकि वहाँ पे ऑक्सीजन निषेचन नहीं होगा, ठीक है, तो इसको छोड़ करके ही ये होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया इसे। अब ओजोन इतनी शांता पर गंभीर फुफ्फुसीय सोप बन करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखिए ओजोन की एक सांद्रता होती है, अगर उससे घट जाएगा तो वह क्या करेगा कि मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो इसकी सांद्रता 9.0 ppm, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय सोप उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो इसका है 9.0 ppm पर। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, जो जल में बहुत तेजी से बढ़ता है, जल हाइसिंथ उसको कहते हैं,
एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप, मुझे लग रहा है इसका नाम में थोड़ा मिस्टेक है। सही है, जल हयासिंथ ही लिखा हुआ है, जल हयासिंथ सही है। ठीक है, आंसर इसका सही ही है। ठीक है, मुझे लगा थोड़ा नाम अद्भुत, इसीलिए हमने चेक कर लिया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस कार्य से परिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? अब किससे बिगड़ेगा? अभी आप लोग के पास ऑप्शन है, पढ़िए, किसके किससे आपका जो है परिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, वन महोत्सव मनाइएगा तब तो ये अच्छे के लिए मनाते हैं, वन के लिए ही मनाते हैं, सामाजिक वन की भी फायदा कारक है। लेकिन जब आप वनों की लकड़ी को काटेंगे तो उससे पारिस्थितिकी संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी काटना। ठीक है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, मर ही जाएंगे, चूँकि पादप नहीं रहेगा तो भोजन भी नहीं होगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, चूँकि पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन मिलता है। तो ये दोनों हो जाएगा, भोजन और जो है आपका ऑक्सीजन दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, जब पादप विविधता यानी जो भी प्लांट है उसके विविधता को प्राकृतिक आवास में रखा जाता है तो उसी अवस्था तो उसको हमने बोला था स्वस्थाने इन सेतु और एक सेतु जो बताया था हमने, तो जो उसका आवास है उसी में उसको रखा जाए तो उसको स्वस्थाने कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वस्थाने इन सेतु। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया, मतलब वो जहाँ पे होते हैं वहीं पे उनको रखा जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, स्वस्थाने या इन सेतु बोलते हैं। हमने ये सब आपको बताया था जब हमने EBS का क्लास लिया था। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव होगा, तो सबसे ज़्यादा जब वन कटाई कीजिएगा, वन उन्मूलन होगा, तो क्या खतरनाक प्रभाव होगा, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश होगा, मृदा अपरदन होगा, वन संपत्ति की क्षति होगी। तो सबसे ज़्यादा जब अगर आप वन उन्मूलन करेंगे तो सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव होगा मृदा का अपरदन। इसका सबसे ज़्यादा अत्यधिक वन उन्मूलन से खतरनाक प्रभाव होगा मृदा का अपरदन। सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित क्या होगा, मृदा की कटाई हो जाएगी। ठीक है, मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। ठीक है, जो आपका आहार श्रृंखला होता है, जैसे ये मान के चलिए आहार श्रृंखला है, तो सबसे जो नीचे होगा वो क्या होगा, उत्पादक ही होगा। क्या होगा, उत्पादक पादप यानी पेड़ पौधे होते हैं, उसके ऊपर ही आपका क्या होता है, उपभोक्ता होता है, उसके ऊपर अपघटक होते हैं। ठीक है, यही स्थिति होता है। तो यहाँ पे उत्पादक होगा, तो आहार श्रृंखला के आधार तल में क्या होगा, तो वो होगा आपका आधार तल में उत्पादक होगा। ठीक है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो ये है आपका नीरी। ठीक है, देख लीजिएगा फुल फॉर्म इसका। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा सोर्स, तो आप देखिएगा जो भारत में जो है वो, अब देखिए धारणीय विकास क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी प्रकृति को साथ लेकर के चलने में, जिससे हानि नहीं हो,
कोई सोर्स की कमी नहीं हो और आने वाला जो पीढ़ी है आपका, भविष्य का जो पीढ़ी है उसको भी उससे नुकसान नहीं हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में देते हुए, जो सबसे अच्छा बिजली का जो उत्पादन का सोर्स है भारत में वो है जल विद्युत। चूँकि भारत में नदियों का देश है और बहुत सारी नदियां हैं, बिहार जैसे राज्य में भी आप देखिएगा बहुत सारी नदियां हैं, तो बस ज़रूरी है कि सभी जगह जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जाए। तो ये क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ आपका जो धारणीय विकास है आने वाली पीढ़ी को भी रखते हुए यह सबसे उत्तम होगा। ठीक है, तो जल विद्युत, चूँकि कोयला से आप, एक तो कोयला ख़त्म होने का चीज़ है और नवीकरणीय है, और उसके साथ साथ प्रदूषण ये उत्पन्न करता है, कार्बन खनिज तेल और गैस का भी वही स्थिति है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय, वही चीज़ है। देखिए धारणीय विकास क्या है कि आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जब हम प्राकृतिक जो भी वस्तुएँ हैं या जो भी कह सकते हैं उसका जब हम उपयोग करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी वह मिलते रहे, तो उसको हम धारणीय विकास कहते हैं। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो ये सबसे बड़ी संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि ये क्या होगा कि अगर हम लोग यूज ज़्यादा कर लेंगे तो आने वाले समय में, जैसे पानी है, हम लोग क्या करते हैं कि स्नान के दौरान जो है ले बाल्टी अपना उछल रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि ये सब समाप्त होने का चीज़ है, जो आपका पीने वाला पानी है या ये सब। तो आने वाले समय में क्या होगा कि जब पानी की किल्लत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो वो एक प्रकार से आने वाले पीढ़ी का संवेदनशीलता का विषय हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसको उस ढंग से उपयोग करना है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले। जैसे हम पेट्रोल को यूज करके ख़त्म कर लें, पृथ्वी के कोयला को निकाल के ख़त्म कर लें, फिर आने वाली पीढ़ी कैसे ऊर्जा का सोर्स बनाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है आपका, ठीक है, वो सबसे बड़ा यहाँ पीढ़ी का संवेदनशीलता का विषय है कि अगर हम इसको ज़्यादा यूज कर लेंगे तो आने वाले समय में कठिनाइयाँ महसूस होगी। उम्मीद करते हैं कि 50 क्वेश्चन लगभग आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ये जो भी हमने बताया अभी? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसी पर देखिए, सुनने से क्या होता है, बाकी पढ़ा तो हमने रखा। ये 45 आया टीपू, आप लोगों ने टेस्ट भी दे दिया, 45 आया मेरा। गर्मी तो ज़्यादा है ही, और आप लोग बोलते हैं हमको एकदम सामने आके डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, वहाँ जानते हैं आपको वहाँ पे लाइट जो रहता है बहुत ज़्यादा वो गर्मी देता है। ठीक है, इसीलिए मैं उस पर अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चूँकि जो बरसात का गर्मी होता ना, सर ये लोग नंबर काउंट कर रहे हैं। क्या चीज़ का नंबर काउंट कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोग अभी क्लास कर रहे हैं, क्या काउंट कर रहे हैं नंबर? 45-40 क्या लिखे हैं आप लोग? अरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट टू बचा है, जितना पढ़ा है उतना ही आप लोग रिवीजन कीजिए ना, ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, जितना पढ़ा दिए सफिशियंट है। कितना पढ़ा है आपको बताइए? ज्योग्राफी का करवाएंगे, क्या चीज में 45 नंबर आया, कौन से टेस्ट में? अच्छा, अभी हम पूछ रहे हैं उसमें 45 नंबर आया, बहुत अच्छा।
यहाँ तो 45 आता है, तो फिर फाइनल टेस्ट में क्यों नहीं आता है आप लोग को 9th-10th में, जो 40, 42 और 45, 50 के अंदर ही रहते हैं? केवल झूठ बोलते हैं आप लोग। वहां लेके आइए ना, एक एक लोग का देखे 101 नंबर आया है बस, बाकी लोग तो 50, 60, 55 नंबर पे रहते हैं। अभी रिजल्ट भेजे हैं, देखिए कितना नंबर आया है आप लोग का। ईमानदारी से देते हैं, बहुत लोग तो देखते हैं आधे घंटे में ही सबमिट मार लेते हैं। जानिए आप लोग, आपका अपना भविष्य है, देखिए जैसे करना है कीजिए। हमने जो बोला था 15 टेस्ट, हम 15 टेस्ट आपका करवाएंगे, जो बोला है हमने, कोशिश हमने किया है। ऐप में नहीं देते हैं इसलिए नहीं दिखता है सर, क्या चीज़ नहीं देते हैं? चलिए आप लोग के चक्कर में रहेंगे, सब ऐप में डाला हुआ है, लेकिन आप लोग को मिलेगा तब तो, खोजने आएगा तब तो, आप लोग तो कंटेंट में जाके खोलते ही नहीं हैं। चलिए चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो भिन्न समुदाय के बीच में जो आपस में लड़ाई हो जाता है, ठीक है, तो वो इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन। अभी आप लोग सुन रहे होंगे, आजकल न्यूज में चल रहा है मणिपुर का, एकदम पूरा दो जनजाति है वहाँ की, जो कुकी जनजाति है और एक और जनजाति है, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रही है, ठीक है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? यानी कितना मिनिमम भूमि जिस पर वह, न्यूनतम भूमि जिस पर वो विकास करता है, ठीक है, तो परिस्थितिकीय पद छाप कहलाता है, ठीक है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, ये तो गलत है, ये तो पूर्ण रूप से आश्रित होता है, तो ये तो गलत हो गया। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, तो ये तो होगा ही, ठीक है। देखिए जो इस तरीका का मैप होता है धरातल पे आप देखिएगा, ठीक है, तो जो उत्पादक होगा वो ज़्यादा होगा, उससे कम उपभोक्ता होगा और उससे भी कम अपघटक होता है, ठीक है, तो ये सही है। यानी उत्पादक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, देख रहे हैं ये यहाँ तक है, ये इतना छोटा में है, तो ये इससे अधिक होता है, तो नीचे में, तो उत्पादक जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। पेड़ पौधे जो है जीव जंतु से तो ज़्यादा होंगे ही ना। चलिए अब जैसे शेर है बकरी को खाता है, तो बकरी और शेर में किसकी संख्या ज़्यादा होगी? स्वाभाविक सी बात है बकरी की संख्या ज़्यादा होगी, शेर की संख्या कम रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ठीक है, तो जल में जो लाइकेन होता है ना, लाइकेन की मात्रा से, जिसको आप कजली बोलते हैं, लाइकेन एक प्रकार से है, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि वहाँ पे जो वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है, और वो तभी होगा जहाँ पे वायु प्रदूषण जो है कम होता है, जल में वायु प्रदूषण, तो लाइकेन तभी होगा। तो लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन की मात्रा जल में कितनी है, अगर ज़्यादा होगा तभी लाइकेन होगा। खाद श्रृंखला है स्वपोषित जीवों के बीच संबंध, दो जीवों के बीच अनुवांशिक, बिल्कुल नहीं, एक जीव से दूसरे जीव का खाद एवं इस प्रकार का ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है एक जीव दूसरे जीव में, अभी हमने बताया जैसे घास को टिड्डा खाया, टिड्डा खाया घास को, ठीक है, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक खा गया, ठीक है, मेढक को कौन खाएगा? सांप खा जाएगा, सांप को कौन खा जाएगा? मोर खा जाएगा, नहीं, तो इस प्रकार से ये आपस में ऊर्जा का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया,
एक जीव से दूसरे जीव में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडल ये प्रास्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। कौन सा कथन सही है? तो जैव मंडल में होना चाहिए, में प्रास्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। बिल्कुल होता है, आपका जैव मंडल में क्या होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर ही जाता है डायरेक्शन, तो एक दिशीय ही होता है, एक दिशा में ही होता है। क्योंकि आपका जो उपभोक्ता से आपका नहीं जाएगा, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, जैसे ये है, घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को, तो ये कभी नहीं होगा कि घास जो है टिड्डा को खा जाएगा, ये संभव नहीं है। तो इसलिए ये एक दिशीय होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस आपको हमने बताया था कौन कौन सा है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, आपका हरित गृह गैस है। मीथेन हो गया, लेकिन सल्फर हो गया, लेकिन आपका नाइट्रोजन है नहीं है, यही पूछ रहा था कौन सा जो है हरित गृह गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है। और वायुमंडल पे सबसे ज़्यादा 78% पार्ट में आपका जो है नाइट्रोजन गैस ही है। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन अवक्षय अपक्षय करने वाले पदार्थों का प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है? अच्छा, मतलब ओजोन के जो भी अपक्षय, ये हमने आपको बताया था कौन सा प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है, वहाँ का जो एक हुआ था बैठक, उसमें निर्णय लिया गया था कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो ओजोन को क्षय करते हैं। ठीक है, तो वो यहीं पे था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करता है? अब बताइए, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया, तो क्या निम्न में से क्या पैदा करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ओजोन। क्या करता है? ओजोन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से, तो ओजोन से यह पराबैंगनी जो होता है, सूर्य के प्रकाश से विकिरण की अभिक्रिया जो होता है, ठीक है, पराबैंगनी को रोकने का काम ओजोन करता है। निम्न में से किसमें ओजोन सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर मतलब हो गया क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में तो वर्षा उर्षा होता है, बादल बनने वाला घटना होता है, लेकिन समताप मंडल में ही आपका जो है एरोप्लेन वगैरह, और इसी में आपका क्या है, ओजोन भी है, O3 गैस का लेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो कई बार इंग्लिश ही पूछ देता है। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है? अब देखिए, अंटार्कटिका क्षेत्र में जो छिद्र बन गया ओजोन का, वहाँ पे जो लेयर है वो पतला हो गया या छिद्र बन गया, उसका क्या कारण है, मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए, विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफॉल का अंतर्वाह, ये तो है ही, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में ही क्यों? विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन का अंतर प्रभाव, ये सभी कारण जो है यहाँ पे अंटार्कटिका को छिद्र करने में भूमिका निभाया है। ठीक है, तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन का अंतर्वाह। देखिए, ध्रुव पे क्या होता है आपका, देखिए जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये ध्रुव है, और यहाँ पे आप जब जाइएगा तो ध्रुव पे जो है क्षोभ मंडल पतला हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे जो है समताप मंडल, ठीक है, तो समताप मंडल की स्थिति नज़दीक होने के कारण भी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या समताप
मंडल में जो बादलों की उपस्थिति हो जाती है, जिस कारण से वो क्या होता है वहाँ पे छिद्र हो जाता है, तो ये मेन कारण है। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। रेनेटिंग, पनीर, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, ये तो बिल्कुल संबंधित नहीं है। ओजोन परत कहाँ रहता है, स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ओजोन परत अवस्थित है, अभी तुरंत हमने बोला स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में, O3 गैस भी इसको कहते हैं। पदार्थों के उस समूह की पहचान करें जिसमें प्रत्येक में ओजोन विघटनकारी पदार्थ एवं हरित गृह गैसीय पदार्थ दोनों के गुण हों। तो देखिए, ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ही, हेलोंस, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, मिथाइल, हेलोंस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो, ये होगा। ये अभी हमने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, अच्छा यहाँ पे देखिए मिथाइल ब्रोमे ब्रोमोमीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्या बोलता है कि ओजोन विघटनकारी पदार्थ एवं हरित गृह गैसीय पदार्थ दोनों के गुण हो। अच्छा, हरित गृह का भी गुण यहाँ पे बोल रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में तो आपका ओजोन विघटनकारी गुण है और साथ साथ आपका हरितगृह भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो जाएगा, हेलोंस भी हो जाएगा, जिसमें आपका जो है हरितगृह गैसीय प्रभाव भी है, मिथाइल ब्रोमो मीथेन में भी है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, तो ब्रिटिश ब्रिटेन की टीम ने यह पता लगाया था कि आपके जो ओजोन पर छिद्र है अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छा मेघ विरलन तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अतः क्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं, कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, तो ये हो जाएगा भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है, अब देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, ये भी है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई सांद्रता के पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, तो कार्बन फर्टिलाइजेशन शब्द का है, तो फर्टिलाइजेशन मतलब वृद्धि, अगर कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो पेड़ पौधे का भी जो है यहाँ पर विकास ज़्यादा होगा, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि जो है कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम उदाहरण होगा। ठीक है, ये सब नहीं, ये अम्लता जो है कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बढ़ता है बल्कि पृथ्वी मिट्टी से ही उसका अम्लता बढ़ता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी तो पादप की वृद्धि ज़्यादा होगी। ठीक है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जल वाष्पों को अवशोषित कर ऊष्मा को, हाँ यही है इसका, ये क्या करता है और क्या क्या ऑप्शन है, सौर विकिरण के परावैगनी अंश को अवशोषित करती है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए उपयुक्त आंसर होगा जो आपका तापमान जो बढ़ रहा है पृथ्वी पर वो सौर विकिरण के अतिरिक्त अवरक्त जो अंश है उसको ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मेन बात है कि जब पृथ्वी पे सूरज की लाइट आती है तो ये फिर जब रिटर्न होना चाहता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब रहेगी तो ये क्या होगा सौर विकिरण को क्या करेगा
अवरक्त प्रकाश को जो है उसको अवशोषित कर लेता है और जिससे वह पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र द्वारा हरित गृह गैसों का उत्सर्जन का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो किस कारण से हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का प्रतिशत सर्वाधिक रहेगा? हरित गृह गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्यों ज़्यादा होगा? कृषि वानिकी तथा अन्य भूमि उपयोग क्षेत्र, बिल्कुल गलत। औद्योगिक क्षेत्र, यही होगा। विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित किस आर्थिक क्षेत्र द्वारा हरित गृह गैसों के उत्सर्जन अच्छा सर्वाधिक रहा, तो औद्योगिक क्षेत्र भी है और खास करके विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी जो है, खास करके ऊर्जा उत्पादन, जैसे हम लोग क्या करते हैं ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, जैसे हम लोग पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब का जब उपयोग करते हैं तो सर्वाधिक जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है और वही क्या करता है, हरित गृह प्रभाव लाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे ये भी कारण है औद्योगिक क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा आपका होता है, लेकिन मेन रूप से जो हम लोग ऊर्जा उत्पादन करते हैं और बिजली जो तैयार करते हैं कोयला से, पेट्रोल से, डीजल से, तो ये सबसे ज़्यादा हरित गृह उत्सर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन बचा है, अब आप लोग को घबराने की बात नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन बचा है, 7-8 क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर परिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले इसमें से कौन सा प्रभावित होगा, ठीक है। तो जो आपका हिम चादर है, जो बर्फ है, अमेजन वर्षावन, ये नहीं होगा, सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होगा। वहाँ के जो बर्फ़ हैं आर्कटिक के, वो पिघलना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे जो है, जो हिम चादर बना हुआ है वो पिघल करके समुद्री का, जो समुद्र का जल है उसका लेवल बढ़ा देगा और जो द्वीपीय जो देश हैं वो सब डूबने लगेंगे, ठीक है। तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है जब वैश्विक तापमान बढ़ेगा। तो जो आपका ग्रीनलैंड है, आर्कटिक, जो भी ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड, और कनाडा, यूएसए जो उत्तरी अमेरिका के बगल में है, तो वहाँ जो बर्फ़ जमा हुआ है वो पिघलेगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है, तो ग्रीन हाउस में जलवाष्प तो रहता ही है, मीथेन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, लेकिन नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। भारत में CCS कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की गतिविधियां किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ये जो है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका ग्रीन कार्बन। क्या कहलाता है वो? ग्रीन कार्बन, ठीक है। यानी चूंकि पेड़ पौधे भी भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन तैयार करते हैं, तो जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कार्बन पेड़ पौधों में जमा हो जाता है, मिट्टी में जमा हो जाता है, वो ग्रीन कार्बन कहलाता है, ठीक है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंश के रूप में किस कारण घासों का प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, ठीक है। किस कारण, देखिएगा, घास जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। क्यों स्थानांतरण नहीं हो पाता है वृक्षों का, तो उसके पीछे क्या रीजन है? कीटों एवं कवकों के कारण नहीं, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। जल की सीमाओं एवं आग के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्व की कमी के कारण, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जल की सीमाओं एवं ये आग, आग तो नहीं होना चाहिए, जल की सीमा तो हो सकता है लेकिन
इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है। जल की सीमाओं एवं आग के कारण, आग से कोई मतलब ही नहीं है, कारण घासों की प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो जल हो सकता है, जल की सीमा सीमित सूर्य के प्रकाश पोषक तत्वों की कमी के कारण, लेकिन घास के मैदान में तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा ही, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे डॉट लग रहा है, इसको रहने दीजिए। अभी ये तो अभी तुरंत हमने ऊपर में किया ही था, दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति इकोटोन कहलाता है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाएं और वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं, इसका कारण क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। उसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में वृक्षों के प्रावधियों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की प्रजातियां धीमी गति से। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाए और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं होते हैं, तो मेन कारण उसका है कि वहाँ के मृदा में जो है पोषक तत्वों का अभाव होता है, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी होती है, ये इसका प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से किसमें प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाएगी? तो हमने शुरुआत में ही बोला था, सबसे ज़्यादा जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, खास करके जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकीय तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होगी? तो जो अब जैसे मान के चलिए कोई शेर है, तो शेर का एक निश्चित, जैसे गुजरात में गिर है, वहाँ पे शेर पाया जाता है, तो अगर वहाँ पे शेर ख़त्म हुआ या वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र हानि पहुँचता, तो सबसे पहले वहाँ का जो संकेतक जीव है जो वहाँ पाया जाता है वही वहाँ पे समाप्त हो जाता है, तो संकेतक प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकीय तंत्र को की हानि से तुरंत प्रभावित होगा? तो जो वहाँ का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो जीव का है, जैसे कक्ष कारण है गधा वहाँ पे है, ठीक है, तो जंगली गधा पाया जाता है, वो अन्य क्षेत्र में नहीं मिलता है। अगर वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगी तो सबसे पहले वहाँ पे जंगली गधा ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 78 क्वेश्चन जो था आपका EBS से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, जिसको हमने आपको 1x1 करके समझा दिया, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देगा एग्जाम में, खास करके ओजोन को लेकर के, हरित गृह प्रभाव को लेकर के, फिर इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र जो हमने बताया था, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता को लेकर के, तो निश्चित तौर पे आपके EBS में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और फिर नेक्स्ट दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, लगभग 250-300 ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का हम लोग कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप लोग भी जो है बने रहिए और देखते रहिए, और इससे क्या होता है कि जो EBS के क्वेश्चन हैं जो अभी तक आप लोग के नज़र में नहीं आया तो वो सब आ जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सहूलियत होगा, आसानी से बना लीजिएगा। तो ये सब टॉपिक एकदम EBS में महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो ओजोन है, चाहे पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। तो चलिए, कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई, देख लेते हैं, मुझे तो लगा ख़त्म हो गया, 78 क्वेश्चन ही थे ना, 79 क्वेश्चन। अच्छा, निम्नलिखित में से किस बायो में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाएगी? तो ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है। तो प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादक मतलब पेड़ पौधा कहाँ पे होगा? तो हमने बताया आपको जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होगा, ठीक है, वर्षा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो है बायोम में प्राथमिक उत्पादकता जो है सर्वाधिक होगा, तो विषुवत रेखीय वन बायोम जो है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होगी, क्योंकि जिस एरिया में वर्षा सर्वाधिक होगा वहीं पर वो स्थिति आपका रहेगा, ठीक है। हो गया,
आपको हमने पीडीएफ भी भेज दिया है, आप लोग अपना देख लीजिएगा पीडीएफ एक बार अच्छे से, और लिंक भी हमने ईवीएस में डाल दिया है इस टेस्ट का, उसको भी आप लोग सेट एक बार। कोई बात नहीं है, दस दस पांच क्वेश्चन रिपीट होगा तो तभी तो याद रहेगा ना आपको। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है समझ जाए, वहां भी रिपीट होने की संभावना रहेगी, ठीक है। वो 10-5% क्वेश्चन आपका रिपीट रहेगा ही हर एक सेट में। घटनाचक्र करंट अफेयर्स में होता है क्या? हाँ, घटनाचक्र का सब कुछ आता है, देख लीजिए, घटनाचक्र देख लीजिएगा अपना मार्केट में होगा। चलिए,